एक देव रक्षिका ही पुष्प अर्पण विधि द्वारा अपना दायित्व किसी और को सौंप कर उसे देव रक्षिका बना सकती है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए बड़ी रानी। वैसे ही हम ये प्रक्रिया समय से 2 वर्ष पूर्व कर रहे हैं। एक आम जीवन जीने के लिए अनु के पास मात्र 7 दिन शेष रह गए। जरा सोचिए बड़ी रानी, युवराज के जीवन के लिए मनु के इन आखिरी 7 दिनों की आहुति देना क्या उचित होगा? अपने घर के चिराग को बचाने के लिए किसी दूसरे के घर में आग लगा देना क्या सही है? हमारा घर, हमारा वंश एक मशाल है देवसेना, और खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देना ही मशाल की नियति है। और जरा सोचिए देव रक्षिका, अगर युवराज माधव को कुछ हो गया तो ना हमारा राजवंश रहेगा ना ये प्रथा। और पिछले 100 सालों से इस राजकुल को बचाने के लिए आपके वंश ने जो बलिदान दिए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। आपसे एक बड़ी रानी ने एक मां बात कर रही है देव रक्षिका। एक मां आपसे अपने बेटे के जीवन की भीख मांग रही है। एक मां की झोली में उसके बेटे का जीवन दान दे दीजिए। आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम आपके चरणों में सर भी झुका देंगे। देव रक्षिका बनना तो मेरा हमेशा से सपना रहा है, और आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अब जब वो घड़ी आ ही चुकी है, जब मैं अपने सपने से बस एक कदम दूर हूं, तो फिर आप वो कदम उठाने में क्यों डर रही हैं? आप मेरी आदर्श है बुआ, साक्षात शक्ति का प्रतीक है आप। जिस पल युवराज 18 वर्ष के हो जाएंगे, नागमणि उन्हें अपना रक्षक चुन लेगी, क्योंकि राजवंश का उत्तराधिकारी ही नागमणि का रक्षक होता है। और उनके रक्षक बनते ही हम युवराज की हत्या कर देंगे, तो नागमणि रक्षकहीन हो जाएगी, और तब
पर हमारा अधिकार होगा।